हेलो दोस्तों दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपसे शुगर कोटेड सोप बिजनेस, कपूर की टैबलेट का बिजनेस और अनारदाना बिजनेस के बारे में पूरी डिटेल में बात करूंगा। दोस्तों आपको ये वीडियो तब समझ में आने वाली है जब आपने हमारी पहली पांचों वीडियो देखी होंगी। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी पहले की पांचों वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको देख लीजिए और उनको देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें, तभी आपको दोस्तों इस वीडियो में समझ में आएगा और इस वीडियो का आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको इस बारे में पूरी जानकारी देता हूं। दोस्तों हमने जो बात करी थी शुगर कोटेड सौंफ की, ये 5 रुपए वाली वेरायटी, दोस्तों शुगर कोटेड सौंफ की ये 10 रुपए वाली वेरायटी, दोस्तों ये अनारदाना और ये कपूर की गोली, दोस्तों ये सारी वैरायटी एक किराना स्टोर पर बिकने वाली है। और दोस्तों ये जितने भी आइटम है एक दूसरे से रिलेट करते हैं। दोस्तों 1 2 3 4 वैरायटी 5 रुपए में हो गई, 1 2 3 4 5 6 वैरायटी 10 रुपए में हो गई, और सोप की दोस्तों 8 वैरायटी हमारे पास हो गई 5 रुपए और 10 रुपए में, ये अनारदाना और ये कपूर की गोली। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आप इन सब को एक साथ लेके मार्केट में चलते हो, अब आप इनके लिए जाओगे तो आप इनको भी साथ में रख सकते हो, इनके लिए जाओगे तो इनको भी साथ में रख सकते हो। जब आप इन पूरे 10 के 10 आइटम को एक साथ लेके मार्केट में जाओगे तो दोस्तों आपने मान लो दुकानदार को कन्वेंस करके आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 की 10 वैरायटी दुकान पे दे दी। दोस्तों जो हमारे 5 रुपए वाले आइटम थे इसमें हमें 50 रुपए बच रहे थे, 10 रुपए वाले आइटम में हमें 60 रुपए बच रहे थे, और कपूर की गोली में हमें 70 रुपए बच रहे थे। तो हम इनकी सबकी एवरेज 50 रुपए लेके चलते हैं। आप पूरे दिन में सिर्फ 10 दुकानदारों को कन्वेंस करके अपने 10 के 10 आइटम दुकानदार पे रखवा देते हो तो दोस्तों आपको एक दुकानदार से कितना मार्जिन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वैरायटी के साथ दोस्तों आपको एक दुकानदार से 500 रुपए का मार्जिन हो गया, क्योंकि एक बॉक्स पे 50 रुपए और हमारे पास वैरायटी हो गई 10, तो 500 रुपए का आपको मार्जिन हो गया। और ऐसे ही आप 10 दुकानदारों को एक दिन में कन्वेंस कर लेते हो तो दोस्तों हमारी एक दिन की जो इनकम, जो कमाई हो गई वो 5,000 रुपए हो गई। दोस्तों आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, सिर्फ ये छोटे से आइटम और बहुत ही कम पूंजी में, दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि कम पूंजी में हमें कोई ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी है और हम आसानी से 5,000 रुपए एक दिन का कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को करोगे, ये पहली बात तो दोस्तों ये बहुत ही कम कंपटीशन वाला बिजनेस है, बहुत कम कंपटीशन, इस बिजनेस में कोई ज्यादा कंपटीशन नहीं है, तो आप आसानी से कमा लोगे। दोस्तों आपको समझ में आ रही है, दोस्तों अगर आप एक दिन में ज्यादा दुकानदारों को कन्वेंस कर लेते हो, मतलब अपने ज्यादा दुकानदारों पर सेल कर लेते हो तो ज्यादा दोस्तों उससे ज्यादा फायदा होगा, ये तो मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ। तो एक दिन का 5,000 रुपए हो गए तो महीने का 1.5 लाख रुपए हो गया दोस्तों, महीने का 1.5 लाख बहुत होता है, जिसमें हमें इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी है। दोस्तों ये एक चीज थी दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहता था, जिससे आपको इसका फायदा मिल सके कि आप इसको अलग अलग बेचने की बजाय अगर आप इसको एक साथ बेचते हो तो आपको क्या फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।